एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर जो है चार लेसन हमारे आए, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस। ठीक है, तो इसके कुछ विशेष कार्यों के बारे में अभी हमने बता दिया आपको, क्या क्या कार्य हम इसमें कुछ कार्य जो कर सकते हैं, ज्यादातर डॉक्यूमेंट कोई कार्य बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, लेटर, अप्लीकेशन, सर्टिफिकेट। ऐसे एमएस एक्सेल में हमारा क्या है, अकाउंटेंट से संबंधित कार्य कर सकते हैं, सैलरी चार्ट बना सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट रिजल्ट भी हम इसमें बना सकते हैं, और मैथमेटिकल फंक्शन इसमें है, मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, एंड कैलकुलेटिंग भी हम इसमें आसानी के साथ जो है एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। और ऐसे एमएस पावर पॉइंट हमारा जो अगला लेसन होगा, एमएस पावर पॉइंट का सबसे खासियत इसमें रहता है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को हम बना सकते हैं, और इस प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हमें टेक्स्ट इमेज की जरूरत पड़ेगी, साउंड भी अपने इच्छा अनुसार आप लगा सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं, इन सब को मिलाकर आप एनिमेशन भी इसमें लगा सकते हैं, सभी फोटो में भी लगा सकते हैं एनिमेशन, टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं, साउंड और वीडियो पे भी एनिमेशन आप लगा सकते हैं। ऐसे हमारा एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेस भी बहुत महत्वपूर्ण काम होता है, इसमें डाटा बेस बनाया जाता है और डाटा एंट्री, इसमें बहुत ही सरलता से आप जो है एमएस एक्सेस में डाटा एंट्री का कार्य कर सकते हैं। ये हमारा जो है टॉपिक था एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पहला लेसन के अंतर्गत, या पहला आप चैप्टर मान सकते हैं, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे एमएस वर्ड, एमएस वर्ड के बारे में हम लोग और अधिक से अधिक जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।